आप सबको प्रभु यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बाइबल को खोलते हैं और आज देखते हैं कुछ बातों को कि जो इंसान आज कर रहा है वो अपनी सोच से कर रहा है, वो उसकी सोच है, लेकिन पीछे चलना, फॉलो एक शब्द है, पीछे चलना। अगर आप संसार को देखते हैं तो संसार में लोग एक दूसरे को फॉलो करते, एक दूसरे के पीछे चलते। ये फॉलो जो शब्द है, पीछे चलने मतलब, पीछे चलने मतलब एक और होता है, पीछा करना, पालन करना, समझना, पीछे जाना, ध्यान से सुनना, अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना। मैं आज इस बात को बता रहा हूं आपको, पीछे चलना, फॉलो। आपके स्कूल में कोई टीचर है तो आप जरूर टीचर को फॉलो करते होंगे, जैसे टीचर सिखाता है और टीचर जैसे बोलता है आप उसको सीखते हो। आप जिस कंपनी में काम करते हो तो वहां भी आपके सुपरवाइजर होते हैं, वो आपको बताते हो, आप उनके पीछे चलते हो, ऐसा करो ऐसा करो। हर जगह देखिए गया कि कोई ना कोई किसी पीछे चलता है, उससे सीखता है। अब ये जो पीछे चलना, दो तरह के होते हैं, एक हम अच्छे के पीछे चल रहे हैं और एक हम बुरे के पीछे चल रहे हैं, जिसको कहते हैं बुराई है। अब ये जो अच्छा बुरा है, दोनों में बहुत अंतर है। हम किसी अच्छे के पीछे चल रहे हैं, या फॉलोइंग द गुड पर्सन, या हम किसी बुरे के पीछे चल रहे हैं, फॉलोइंग द बैड पर्सन। इन दोनों के परिणाम हैं। अगर हम अच्छे को, कोई अच्छे व्यक्ति को या कोई अच्छी चीज को के पीछे चल रहे हैं तो उसमें हर चीज आपकी यस होगी। हां, जब आप कोई अच्छी चीज के पीछे चल रहे हो तो उसमें आपके लिए हर चीज हां है, उस हां में एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है। और इस हां में जब सब कुछ है तो जब तक जिंदा हो तब तक है, ऑलवेज। हम जीवन में विक्ट्री हासिल करते हैं, हम जीवन में आनंद और जयवंत प्राप्त करते हैं जब हम अच्छे लोगों को के पीछे चलते हैं। और ध्यान से सुनना, दूसरी चीज, हर चीज आपको मिलेगी, एवरीथिंग, सब चीज आपके पास होगी, हर चीज में आपको अच्छा लगेगा, और जब तक जिंदा है वो हमेशा के लिए, हमेशा आपके साथ है वो चीज। और इसका जो जिस्ट है, निचोड़ है, वो है कि आप जीवन का आनंद लेंगे और जैवन जीवन। लेकिन इसके बाद एक और है, बैड, जो बेकार के लोगों के पीछे चलना, बेकार की बातें, बेकार की किताबें, बेकार का टीवी देख के बैठ रहे हैं, बेकार के व्हाट्सएप कर रहे हैं, बेकार की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, इट इज नॉन ए बैड। अब जब कोई गलत चीज हम कर रहे हैं, गलत चीज में क्या होता है, एक खास बात आपके दिमाग में आ जाती, वो नो, आपके मन में नो आ जाता। नो का मतलब है नहीं, नहीं हो सकता। जब नहीं है तो उसके आगे क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है। और जब नथिंग नहीं तो जीवन भर क्या होगा, कभी नहीं। बैड को फॉलो करोगे, नो, नथिंग एंड नेवर। और इसका जो जिस्ट है वो डिस्ट्रक्शन है, बर्बादी। ध्यान से सुनना आज, और आज जो हो रहा संसार में, देख लो बाहर क्या है, क्या चल रहा है बाहर। दो चीज आप आज आपको चुनना है, आप किसके पीछे चलोगे। अगर आप देखते हैं बाइबल को, इस किताब के अंदर बहुत जबरदस्त किताब है, मैं पढ़ता हूं तो इसे इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये बुद्धि खोलता है, ये समझ देता है। एक राजा था सुलेमान, वो राजा इसका बेटा था, दाऊद राजा का, और परमेश्वर उसको बहुत ज्ञान से, राजा परमेश्वर को दर्शन दिया तो उसने यही बोला कि मुझे इस प्रजा को चलाने की शक्ति दे। आज मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूं, सामर्थ्य प्रभु यीशु, लोगों को पहचानूं कौन क्या कर रहा है, और आज बहुत कुछ सिखा दिया। ये दाऊद के, दाऊद का बेटा सुलेमान क्या लिखता है, सबोदेश की किताब और उसका एक अध्याय और दो पद में, उपदेशक यानी समुदेशक, उपदेशक यानी सुलेमान, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मतलब ये कह रहा है, जिंदगी का तजुर्बा इसके पास, और ये कह रहा है सब कुछ बेकार है, वैनिटी वैनिटी वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है। आगे लिखा है क्यों व्यर्थ है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है,
कितना परिश्रम मनुष्य करता है धरती पर, कितना परिश्रम करता है। आगे लिखता है, उस परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको से क्या प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा बनी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मृत्यु ले रहे हैं। आप इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छा लिखा इसके अंदर। आ रहे जा रहे मतलब पैदा हो रहे, मर रहे। आप धरती पर हमेशा के लिए नहीं हो। यहां पर सुलेमान एक और बात लिखता है, इसके 14 पद में, मैंने सब कामों को देखा, कह रहा मैंने सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते। सूरज होता है आसमान के नीचे, सूरज निकलता है, रोशनी होती है, काम लोग करते हैं। सुलेमान कह रहा है कि मैंने उसका अनुभव है, ये सुलेमान का अनुभव है, एक्सपीरियंस। और सुलेमान का दोनों था, संसार का और आत्मा का। वो लिख रहा है, मैंने सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। धरती पर जो मनुष्य काम कर रहा है वो करते करते ही मर जाएगा। वो कह रहा है ऐसा लगता है कि मनुष्य हवा को पकड़ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि मैं जो सूरज के नीचे देखता हूं ये भी सब व्यर्थ है, सब बेकार है, हवा को पकड़ना है। अब एक और खास बात, जो टेढ़ा है तो सीधा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जो टेढ़ा है, जो टेढ़ी चाल चलता है वो सीधा और नहीं हो सकता। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वे गिना नहीं जा सकता। अब यहां पर एक और बात, जो है ही नहीं, जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, वो टेढ़ा ही रहेगा जिंदगी भर। वो गलत सोचता गलत सोचते ही रहेगा, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। और कुछ लोग सुधरना पसंद ही नहीं करते, कुछ लोग होते चलो भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, लेकिन बड़ा मुश्किल है, फिर भी कुछ अंश रह जाते हैं। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वे गिना नहीं जा सकता। अब कौन है ये? आपके घर में, हमारे घर में मृत्यु जाती है, उनको थोड़ा गिनेंगे, गवर्नमेंट भी गिनती नहीं करेगी। तो यहां लिखा है जो नहीं है वे गिना नहीं जा सकता। अब क्या करें हम? काम कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन जीवन के अंदर कोई सार नहीं आ रहा। जब तनख्वाह मिलती खुश हो जाते हैं, और 20 तारीख के बाद फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? कि हमें उधारी देनी है, खत्म हो चुका सब, हमें पैसे की जरूरत है। कोई बना रहा है तो कोई बिगाड़ रहा है, कोई बना रहा है और कोई बिगाड़ रहा उसे, कोई बना रहा है कोई बिगाड़ रहा है, कोई सजा रहा है कोई उजाड़ रहा है, कोई मार रहा है तो कोई सवार रहा है, कोई जला रहा है तो कोई बुझा रहा है। अब जलने की बात बहुत सी होती है, दिल जले भी बहुत घूमते रहते, दिल जला दी किसी ने, कोई रिश्तेदार जला के चला गया, दिल जला गया। कोई बना रहा है कोई बिगाड़ रहा है, कोई सजा रहा है कोई उजाड़ रहा है, कोई मार रहा है कोई सवार रहा है, कोई चला रहा है कोई बुझा रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है और कोई काट रहा है। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक दिन आपको धरती छोड़ना, मारपीट करते जाओगे धरती छोड़ना पड़ेगा। कितनी मारपीट करोगे, कितना नफरत करोगे। लेकिन आज जो बात है, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। ये कौन है जो इस बारे में कह रहा है? फॉलो मी। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु इस बारे बोलता, मेरे पीछे चलो। हालेलुया, फॉलो मी। आज इस वचन को सुनो। सुलेमान कहता सब बेकार है, सब बेकार है, धरती पर सूरज के नीचे मैंने इतना तजुर्बा है, सब देख लिया बेकार है। आज हम भी देख रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, वो कई जगहों पर गया, उसका मेरे पीछे, मेरे पीछे। प्रभु यीशु के पीछे होने का मतलब है उसकी जो आवाज है हम उसके पीछे चलें और आज्ञाकारी हो जाए, ओबीडियंस। आज जो संसार में है हम आज्ञाकारी नहीं, हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। देखिए क्या मर्जी में क्या है, सबोदेश उसका 5वां अध्याय उसके 10 को पढ़ेंगे। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। और आगे लिखा है जो और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ है, ये सब व्यर्थ। 11वें लिखा है सब संपत्ति बढ़ती है, उसके खाने वाले ही बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जब आपके पैसा जाता ना तो रिश्तेदार मिलने वाले इर्द गिर्द घूमते हैं, लोग बढ़ जाते हैं। जब कुछ नहीं होता तो कोई नहीं है, जब आने लगता है तो बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब संपत्ति बढ़ती है तो खाने वाले बढ़ते हैं, और तब उसके स्वामी को
इससे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंख से देखे। बारे बदले को परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसको नींद सुखदायी होती है। परंतु अब देखो, जो मेहनत करता है, जो मेहनत की कमाई करता है, दिन भर मेहनत करता है, पसीना निकालता है, चाहे वो एसी बैठा उसका पसीना वहां भी निकलता है। मालूम है आपको, जो कहते हैं ना, अरे ये तो एसी बैठे इनका पाना पसीना, दिमाग का काम होता है वहां बैठकर, दिमाग का काम। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत खाए तो भी उसको नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने हमेशा बोला ना, जब धन घर में भर गया, पैसा बढ़ गया, नींद नहीं आएगी आपको। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अब यहां पर बाइबल बताती है कि मनुष्य आ रहा है, जा रहा है, एक आ रहा दूसरा जा रहा, यानी एक पैदा हो रहा और एक चला गया, मर गया। यहां पर आज हम लोग सुनेंगे कि यीशु मसीह ने इस वचन को क्यों कहा, मेरे पीछे आ रहा। अभी हम लोग पैसे की बात कर रहे थे, मरकुस किताब खोलते जल्दी से, मरकुस किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 17 से पढ़ेंगे। जब वे वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, यीशु मसीह रास्ते में जा रहा था, एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु के पास एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेकता है और कहता है कि अनंत जीवन अधिकारी होने के लिए क्या करो, व्हाट शुड आई डू टू हैव टू अटेन द इटर्नल लाइफ। अब यह सवाल है बहुत से लोग, क्योंकि अनंत जीवन, आत्मा बाहर निकलेगा अनंत जीवन के लिए, और अनंत जीवन का जो आनंद है वो स्वर्ग में है। द जॉय ऑफ इटर्निटी इज इन द हेवन। अनंत काल के लिए आत्मा निकलेगा, दूसरी जगह मृत्यु नरक, उसमें आनंद नहीं है, उसमें तड़पन है। एक बाइबल साहब बताती है और यीशु खुद बताया, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु पास आ गया, घुटने टेका उसके सामने। वो समझता था, उसको मालूम था, जब इतने काम वो देख रहा है यीशु के, पानी पे चल रहा, अंधे की आंखें खोल रहा, लंगड़े चल रहे, घूमे बोल रहे, बहरे सुन रहे, जन्म का लंगड़ा चल दिया, दुष्ट आत्मा निकल रही है, दुष्ट आत्मा चीख रही, चिल्ला रही। यीशु जिस आराधना बजाता था वहां पर खड़ा होता था और जहां कहीं दुष्ट आत्मा है से भरे लोग होते चीखते चिल्लाते थे और ऊंची आवाज में कहते थे, ये परम प्रधान परमेश्वर का पवित्र जन है। लोग समझ गए, ये व्यक्ति जो था घुटने टेकता, यीशु बोलता है अनंत जीवन पाने का, यानी कि स्वर जाने के लिए मैं क्या करूं। सबसे पहली बात, जब यीशु को कहने लगा उत्तम, यीशु कहता कोई उत्तम नहीं है। यीशु शरीर में था, मनुष्य के रूप में था, उसे कोई उत्तम नहीं है, केवल एक है जो स्वर में बैठा हो, परमेश्वर है। अब यीशु यहां से कहता है 19वें में, तू आज्ञाओं को जानता है। प्रभु यीशु से पूछता है, तू आज्ञाओं को मानता है, जानता है इस किताब में जो लिखी आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा को जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता और अपनी अपने पिता और माता का आदर करना। कुछ आज्ञाएं यीशु मसीह ने इसको बता दी कि तू आज्ञाओं को जानता है। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, उसने कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यानी कि इसके पास अच्छी शिक्षा थी, जिस किसी के भी पीछे चल रहा था इसको शिक्षा मिली। हम लोग स्कूल जाते, कॉलेज जाते, शिक्षाएं लेते वहां से, और जो टीचर कहता है सुनते हम लोग, जो विद्यालय में सिखाया जाता है हम लोग सीखते हैं और सीखकर उसको अमल करते हैं जिंदगी में। ये व्यक्ति आकर कहता है कि मैं तो सब करता हूं बचपन से, लड़कपन से, यानी कि मुझे सिखाया गया, सीखा है उसने, कोई अच्छा गुरु होगा सिखाया उसको, माता पिता भी हो सकते सिखाया हो। कह रहे मैं बचपन से मानता हूं। 21वां लिखा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, यानी यीशु ने बड़े प्यार भरी निगाह से उसकी ओर देखा। यीशु की निगाह में, यीशु की नजरों में बड़ा प्यार था, उसके चेहरे में शांति थी, उसने डांटा नहीं उसको, उसने बड़े प्यार से उसको उसकी ओर देखा और कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हम लोग कहते हैं बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब आपको मुझको देखता है तो आपकी घटियों को ढूंढ लेता, वो जितनी घटियां हैं आपके अंदर वो परमेश्वर जानता है। ही नोज अबाउट योर हार्ट, अबाउट योर माइंड, वो आपके जीवन बारे जानता है। इस मनुष्य से परमेश्वर कहा, तू सब कुछ कर रहा है लेकिन तुझ में एक घटी है, यू लैक वन थिंग। और सोचने लगा मैं, अब कौन सी घटी है। अब सांसारिक तौर पर तो वो कोई घटी में नहीं था, लेकिन आत्मा की कुछ बातें जो यीशु जानता है
वो संसार की भी जानता है, आपके ऊपर की बातें भी जानता, अंदर की जानता है। यीशु ने उससे कहा तुझमें घटी है, एक काम कर, घटी के बाद जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों दे दे। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु कह रहा तुम्हें एक कमी है, जो तेरा है गरीब बांट दे, दान कर दे। तूने अभी तक दान नहीं किया है, तूने अभी तक किसी को दिया नहीं है, जो परमेश्वर जानता है। हम लोग कमा लेते, बहुत कुछ कर लेते, लेकिन देने के लिए हम पिछड़ जाते, क्योंकि जब था नहीं तो ठीक था, जब आ गया तो दिमाग खराब हो गया। इसके बाद इतना धन था, यीशु ने कहा तुझ में घटी है, जा जो कुछ है कंगालों को दे दे, गरीबों को दे दे और तुझको तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, अंडरलाइन कर लो, फॉलो मी, आके मेरे पीछे हो ले, सब छोड़ दे। सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, भरोसा आ रहा है जा रहा है, तेरा धन तेरा काम नहीं आएगा, तू अनंत जीवन चाहता है, तू स्वर्ग जाना चाहता है। यीशु कहता है ये सब चीज हटा दे अपने सामने से, इस लालच को हटा दे और मेरे पीछे हो ले। इस बात से लिखा है 27 पद में, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जब यीशु ने कहा कि तू सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, सब दे दे कंगालों को, बांट दे और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। कौन सी धन की बात कर रहा है यीशु, आगे देखेंगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह धनी था। अभी आपने पढ़ा धन का लोभ आपको अनंत काल के स्वर्ग में नहीं ले जा सकता जब तक आपके हाथ में धन है। कौन सा धन स्वर्ग में, कौन सा धन है, कौन सी धन की बात बाइबल बताती है? अबाउट द सैल्वेशन, हालेलुया, उद्धार। जो धन है वो उद्धार है, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। और रोमियो किताब उसका 6 अध्याय और उसके रोमियो किताब निकालें और उसका 6वां अध्याय और उसके 23 के अंदर लिखा है, 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो अनंत काल की आशीष की बात परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा उसे कि तुझे धन मिलेगा, वो धन क्या है? वो अनंत काल की अमरता की आत्मा के लिए धन है, मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो वापस चला गया। मेरे पीछे होने का मतलब है, मैंने बताया आपको, ये परमेश्वर की आवाज है जो हम आज्ञाकारी हो जाएं, जो कोई नहीं कर सकता वो आपके द्वारा जब उसके पीछे चलोगे आप करने लोगे। हालेलुया, इसलिए कह रहा फॉलो मी। जब हम यीशु के पीछे चलते ना तो हमारी जो पहचान है, जो हमारी पहचान है, क्या कोई पहचान हो सकती है? आप अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जो हमारी संसार की पहचान है वो खत्म हो जाती है, एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी यीशु मां की मिलती है, और वो पहचान सबसे ऊपर की होती है। हालेलुया, वो आपको ऊपर रखेगा। हालेलुया, वो आपको ऊंचे पर रखेगा। हम अपनी पहचान को छोड़कर परमेश्वर की पहचान में बढ़े जो वह देना चाहता है। इसलिए कहता मेरे पीछे चलो। निर्गमन किताब और उसका 23वां अध्याय और 2 में लिखा है, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिरकर मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। यहां बाइबल साफ बता रही है, बुरों के पीछे ना चलना। आज कितने लोग गड़बड़ी हो रही है, सबकी सब भीड़ की भीड़ जा रही है बुराई के लिए, भीड़ की भीड़, उन्हें नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। लेवस्था उसके 18वां अध्याय और 4 में लिखा हुआ है, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, उनके पीछे चलना, विधियों पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। द बाइबल क्लियरली सेज कि अगर हम उसको पीछे चलेंगे, उसकी विधियों को मानेंगे, तो हमारी जो आइडेंटिटी संसार की है, चाहे बुरी हो, कैसे भी हो, गलत हो, वो अलग हट जाएगी, हमारी पहचान परमेश्वर हो जाएगी। आपके मोहल्ले में लोग कुछ और कह समझेंगे, आपके घर वाले आप कहेंगे अरे कैसे बदल गया, एक पहचान बदल गई। या सच्चाई के पास आ गए और जब उसके पीछे चलेंगे, यीशु की उस ईश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे। भजन संहिता 23:6 में आया, निश्चय, डेफिनेटली निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रही। हालेलुया, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसका आनंद
जब तक मैं धरती पर बना रहेगा, हालेलुया, जब तक मैं धरती पर हूं मेरी पहचान अलग हो जाएगी, माय आइडेंटिटी विल बी डिफरेंट। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर था, मत्ती किताब उसका चौथा अध्याय और उसके 18 से पढ़ेंगे, मत्ती किताब चौथा अध्याय और उसके 18 से 19 तक पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे फिरते हुए यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी गलील में बहुत थी, गलील में फिरता हुआ, गलील के झील के किनारे जिस पर यीशु चला, सी ऑफ गलीली बोलते उसको, गलील की झील के किनारे यीशु फिरते हुए दो भाई थे, कौन थे वो? शमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, झील में जाल डालते देखा, क्योंकि मछुए थे, ये झील में जाल डाल रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, हालेलुया, सुनो, मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तुम मछियारे हो और जब तुम मेरी आज्ञा पर चलोगे मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुझे बहुत कुछ सिखाऊंगा, तो तुम मछली नहीं पकड़ोगे पर मनुष्य को पकड़ोगे। क्या? मनुष्य के जीवन को बदलोगे, मेरी शिक्षाओं के द्वारा मनुष्य के आचरण को तुम लोग बदलोगे। इसे तो यीशु बुलाता है, तुम्हारी अब पहचान जो होगी मछली वालों की नहीं होगी, अब तुम्हारी पहचान होगी कि तुम मनुष्यों में जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, मनुष्य जाकर और मेरे सुसमाचार की जो अनंत काल का सुसमाचार है तो उसको प्रचार करोगे, और तुम्हारी जो पहचान मछली पकड़ने वालों की है, मछियारे की, वो खत्म हो जाएगी। एंड यू विल बी माई डिसाइपल्स, फॉलो मी, हालेलुया, फॉलो मी। प्रभु यीशु जीवन में आएगा ना, आपकी पहचान बदल देगा, पहचान बदल देगा, आपके आपके हाव भाव बदल देगा, आपका रहने का, खाने का, पहनने का, बोलने का, चलने का तरीका बदल देगा। मेरे पीछे हो लो, आगे और देखते 20वें, वे तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, यानी कि वो यीशु के पीछे चल दिया, क्योंकि कुछ और बनना मांगते थे। यीशु सबसे बड़ी खूबी है ना, जब यीशु देखता था ना उसकी आंखों से सावर निकलती थी, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर आया, जो शरीर में मनुष्य था वो आत्मा में कुछ और था। जब यीशु देखता था शैतानी ताकतें निकलती थी, यीशु देखता था लोग चंगे होते थे, यीशु देखता था लोग जीवन बदलता था। जब यीशु ने दोनों को देखा और जब देखा कहा मेरे पीछे ले, तुरंत छोड़कर पीछे, क्यों? क्यों सामर्थ्य ने, उस पवित्रता ने उनको छुआ और उनका मन बदल गया, एकदम से इंस्टेंट हुआ काम ये, और जब चल दिए वो कुछ और बन गए। बाइबल बताती है पतरस ने हजारों लोगों के बीच खड़ा होकर सुसमाचार सुना दिया। ये वो पहचान है, आज पतरस की पहचान है। दूसरी बात दिखा हुआ है, वहां से यीशु आगे बढ़ा और दो भाई मिले थे, पहले पतरस और अंद्रियास, और उसके बाद ये दो भाई कौन से? याकूब और उसका भाई यूहन्ना। ये दो भाई को देखा और वे अपने पिता जब्दी के साथ, यानी अपने पिता के साथ नाव जो था उसको ठीक कर रहे थे। ठीक करने बता अगले दिन वो जब काम पे जाएंगे, मेंटेनेंस हो रहा था, सफाई कर रहे थे, उसको देख रहे, क्योंकि मछली का कारोबार जबरदस्त है, वो झील के बाहर बहुत मछली, और आज भी इतनी मछली है, वो आशीषित है वो झील, क्योंकि यीशु उस पर चला। यहां पर लिखा हुआ यीशु उसके पास जाता, दो भाई और मिले, याकूब और यूहन्ना, ये अपने पिता के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे, यानी कि मेंटेनेंस कर रहे थे, अगले पल के लिए जब जाएंगे तो नाव बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। यीशु ने उन्हें बुलाया और लिखा है वे तुरंत नाव और उसके पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये चार लोगों गए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, बाइबल के तो लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने 12 चेले, मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय, 12 चेले इकट्ठे कर लिए, और इकट्ठे करने बाद उनके साथ क्या हुआ? मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर, 12 हो गए, और 12 को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। देखो इनकी जो पहचान थी मछुआरे वाली पहचान थी वो खत्म हो गई। अब यीशु के पीछे चलने से एक शिक्षा उनको मिलती है, और ये वो शिक्षा सबसे अलग है, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अदृश्य शक्ति है जो है, जो दिखती नहीं है, देखो कितना बड़ा काम आज इसी अदृश्य शक्तियों के बीच हमें खड़ा किया, द अनसीन स्पिरिट्स। आज बहुत बड़ी पहचान कर दी प्रभु ने, धन्यवाद करते। जब आप प्रभु के पीछे पास आओगे आपकी पहचान बदल देगा, और यहां इसलिए कहता मेरे पीछे चलो,
बारह चेले इकट्ठे हो गए और क्या कहा, अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दे दिया, गिवन देम द अथॉरिटी ऑफ द इविल स्पिरिट डेमन पावर्स, उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों का और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। वाह, तीन बातें। इफ यू फॉलो जीसस, अगर हम प्रभु यीशु को फॉलो करेंगे, प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, तो याद रखिए धन दौलत कब खत्म, आपकी पहचान अलग हो जाएगी, वीर में अलग पहचान। बारह चेले इकट्ठे कर दिए तो क्या बोला, बुलाकर कहा उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया, द पावर व्हाट जीसस हैड ही गिवन द सेम पावर टू दिस 12 डिसाइपल्स। बारह चेलों पर तो बुलाकर कहा अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। फिर एक और बात यीशु ने कही जो 10 के साथ में है, एक और बात प्रभु यीशु ने उनसे कही जब हम उसके पास आते और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। हालेलुया, जो प्रचार करो, स्प्रेड माय गुड न्यूज टू एवरीवन। हालेलुया, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कहां तक जासूस हो जा रहा, द ग्लोबल इवेंजलाइजेशन जिस मिनिस्ट्री के द्वारा जा रहा है। हम प्रभु जी से पीछे चलते हैं ना, चार बातें और आएंगी। पहली चीज, जब यीशु के पीछे चलते हैं तो हम उस ज्योति में आ जाते हैं, ज्योति के पीछे चल रहे हैं। We are following the light. हम उस अनंत काल की ज्योति के पीछे चल रहे हैं, उस ज्योति के सामने, उस ज्योति के पास आकर वो जवान व्यक्ति घुटने टेकता, कहता अनंत काल की अधिकार होने क्या करूं। यीशु कहता तू आज्ञा को मानता, कहता सब मैं मानता हूं, लतपन से मानता हूं। यीशु कहता तुझ में एक बात की कमी है, जहां सब कुछ कंगाल होते मेरे पीछे ले, स्वर्ग में धन तुझे मिलेगा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो सोचता था धन पैसा ही है, वो सोचता धन जो संसार की वस्तु वही है, सोना चांदी है, असली धन जो है मेरे बहनवाई मरने के बाद है, और इस धन को अभी से पकड़ना है, और धन यीशु के पास है। धन क्या है, अनंत काल की आशीष, अनंत काल का जीवन, द सल्वेशन इसको कहते हैं, वो यीशु के पास है। यीशु चेलों को बुलाया, अधिकार दिया और कहा जाओ, जब मेरे राज का सुसमाचार, स्वर्ग के राज का सुसमाचार प्रचार को आज जरूरत है, कौन सुनाएगा, कौन कहेगा, यीशु को पीछे लो। पहली चीज, जब यीशु पीछे होने से ज्योति के पास आ गए, यूहन्ना 8:12 में लिखा है यीशु का जगत की ज्योति मैं हूं। I am the light of the world. Whosoever follows me will not walk in the darkness, but will walk in light. जो मेरे पीछे चलेगा, यानी पहली चीज, जब यीशु पीछे चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे, और जब ज्योति में चलेंगे हमारी बुद्धि खुल जाएगी, हमारी सोच कुछ और हो जाएगी, हमारी सोच जो पहले कुछ और थी अब सोच बदल जाएगी, हम ज्योति वाले हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। योना 12:46 में भी आया, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वे अंधकार में ना रहे। आओ फॉलो मी, यीशु कह रहा अंधकार में थे, मछली पकड़ रहे थे, अंधकार में थे, अंधकार में थे, नाव सुधार रहे थे, अंधकार में थे, यीशु कह निकलो बाहर। आज आपको यीशु निकालना चाह रहा है, तो सोच गंदी सोच है, गंदे विचार है, यीशु विचार से बाहर निकालना चाहता है, कहता मेरे पास आओ, मेरी शिक्षा लो और मेरी ज्योति मां जाओ। दूसरी बात प्रभु जी को और बात कहता, योना 8:32 का लिखा है तुम सत्य को जानोगे, मेरे पास आओगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको हर बातों से, हर नकारात्मक बातों से, बुराइयों से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, तुम सत्य को जानोगे, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, हम झूठ, फरेब, झगड़ा, मारपीट, अत्याचार से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यीशु कहता मेरे पास आओ। ज्योति माने का मतलब है कि जब यीशु की ज्योति मांगे ना, सब हमारे बुरे काम दिख जाएंगे, जो हम कर रहे हैं और जो हम सोच अच्छा कर रहे हैं, यीशु के पीछे चलने से हमारे बाहर सारे बुरे काम दिख जाते हैं। जैसे यीशु मसीह शाऊल के सामने पौलुस बन के बाद घोड़े पे जा रहा था, टुकड़ 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 करते, पीछे दो चार और बैठे थे, सब जा रहे, कहां जा रहे, ओ प्रार्थना करने वालों को मारने जा रहे हैं, खत्म कर देंगे, चिट्ठी लेकर जा रहे, टुकड़ 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 चले जा रहे हैं, टुकड़ 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 चले जा रहे हैं, और सामने रोशनी आई और धाम से नीचे कर दिया। उस रोशनी में से आवाज आती है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, एक ज्योति। शाऊल कहता प्रभु मैं तुझे नहीं जानता, मैं तेरे नाम ही नहीं सुना, कौन है तू। सुनो मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज सताओ चारों तरफ हो रहा है, याद रखिए वो उन लोगों को नहीं, यीशु को सता रहे। आज प्रभु यीशु चाहता है उन लोगों से मेरे पीछे आ जाओ,
शाऊल जो था जब आंखें खुली कुछ और बन गया, अंधा हो गया था वो, लेकिन परमेश्वर का सेवक था। तो सेवक पर प्रभु ने भेजा, जाओ वहां पर, मेरा सेवक है, वो तुझ पर हाथ रखेगा, तो चंगा हो जाएगा। और सेवक का तू वहां जा, उस घर में तारसी गली में है वो बैठा हुआ है, वो घुटने में प्रार्थना कर रहा। जब यीशु आता है सामने तो सब कुछ बदल जाता है, और साउल जो था पौलुस बन गया, और ये व्यक्ति परमेश्वर का जो सेवक था और कहने लगा, ये यीशु ये तो सबको मारता है, मैं जाऊंगा मुझे ही मारेगा ये। I'm also scared. यीशु कहता जा तू, वो मेरे काम के लिए चुना गया है, हालेलुया, he will follow me. वो राजाओं में महाराजाओं के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करेगा। खैर आगे बताइए कैसे प्रचार किया। अब यहां पर वो जाकर उसे लिए प्रार्थना करता है, और जैसे प्रार्थना कर उसके आंख से दो चिक्कल निकल गिर जाते हैं, एक नया शरीर बन जाता है, और वो यीशु के पीछे चलने लगता, और चलते चलते एक बहुत बड़ा क्या बन गया, अपोस्टल। जब प्रभु यीशु पास आओगे तो आप ज्योति में आओगे, और ज्योति आपको आपकी बुराइयों को निकाल देगा। दूसरी बात, जब यीशु पास आएंगे तो हम सत्य को जानेंगे, और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, हम जो काम कर रहे हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। यूहन्ना 3:17 के अंदर आया, क्यों यीशु से बातें कर रहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ज्योति में आ जाओ अंधेरे में ना जियोगे। यीशु एक बात कहता है, कोई स्वर पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर में है। यानी यीशु कह रहा है कोई स्वर पर नहीं चढ़ा, मैं स्वर से उतर कर आया हूं, मैं स्वर से आया हूं, और स्वर की बातें बताऊंगा, क्योंकि अनंत काल की आशीष वहीं पर है, अनंत काल की आशीष वहीं पर है, अनादि से अनंत काल का ईश्वर वहीं बैठा हुआ है। मेरे पीछे चलो, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसके 8:36 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। यस, जीसस इज द राइट, प्रभु यीशु पास अधिकार है, अगर वो स्वतंत्र करना चाहेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन उसके पीछे चलो। आज वचन सुनो, हालत बुरी हो रही है पूरे संसार की, प्रार्थना करो और यीशु के पीछे चलो, क्योंकि आपकी पहचान इस भीड़ में परमेश्वर दिखाना चाहता है, आज कर सब बदल जाए। लेकिन कैसे होगा, जब तक यीशु पास ना आएंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये सच्चाई जो है ना, ट्रुथ, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू जीसस। द ट्रुथ इज क्लोजली रिलेटेड टू जीसस, यानी कि यीशु मसीह में ही सत्य है, यीशु मसीह में ही सत्य है। इसलिए यीशु का मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड, इसलिए उसके पीछे चलो, फॉलो हिम। तीसरी चीज, पवित्रता, होलीनेस। यशायाह किताब उसका 6:3 पढ़ लेंगे, यशायाह किताब उसका 6:3। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये स्वर्गदूत है, पवित्र पवित्र पवित्र। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो हम उसकी पवित्रता को जानेंगे, वो पवित्र है, उसका कैरेक्टर है पवित्र है, क्वालिटी है पवित्र है। हम लोग अपने आप को पवित्र करते हैं शरीर में, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता जो है उसके पुत्र यीशु में है, और वो है उसका पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया। याद रखिए, घर बैठ कर देता है वो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहां जाओ पवित्र जाओ, वहां खड़े जाओ पवित्र जाओ, इस चीज को यूज कर लो पवित्र जाओ, इस चीज को घर में रख लो पवित्र। नहीं, पवित्रता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को द्वारा दी है, वो है शुद्धता, वो है प्योरिटी, पवित्रता है, हिज प्योरिटी एंड एब्सोल्यूट राइटियसनेस, यानी कि पूरी धार्मिकता। यीशु में पवित्रता है और यीशु में धार्मिकता है। अब जब आप और मैं यीशु के पीछे चलोगे, यीशु के अनुयायी हो जाओगे, यीशु की आज्ञाओं को मानोगे, उसके वचन पर चलोगे, तो पवित्रता के कुछ चिन्ह आपके अंदर से दिखेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर से पवित्र आत्मा का काम निकलेंगे वो है धीरज और नम्रता, पेशेंस एंड जेंटलनेस। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आपके काम करेगा, तो सबसे बड़ी बात धीरज और नम्रता। दूसरी चीज, आनंद, हंसी मजाक की प्रवृत्ति। आनंद, उसके अंदर आनंद होगा, आनंद से भरा होगा, और समय समय मजाक करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आनंद का आत्मा आ चुका है, उसके अंदर पवित्र आत्मा जो आ गया आनंद का आ गया। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता, मरियम
आनंद और जय दे। सबसे बड़ा काम पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा वो पवित्र करेगा, अंदर आ गया आपके अंदर आनंद डाल देगा। जो चिन्ह होंगे पवित्र आत्मा के आपके अंदर आ गए हैं, उसकी पवित्रता के जो चिन्ह होंगे, प्योरिटी के जो चिन्ह होंगे, पहली चीज आप धीरज और नम्रता का जीवन जियोगे, पेशेंस एंड राइटियसनेस, और दूसरी चीज जॉय एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा भरा होता है ना, वो हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और समय समय मजाक करता रहेगा ताकि लोग भी हंसे, हंसी मजाक की प्रवृत्ति इसमें रहेगी। तीसरी चीज बोल्डनेस एंड पैशन। बोल्ड होगा वो जो खड़ा रहेगा, खरी बातें करेगा, और जो परमेश्वर चाहेगा वही करेगा। लाइफ इन कम्युनिटी। चौथी बात है समाज में उसके द्वारा लोग जीवन पाएंगे, आपके घर में आपके परिवार में लोग जीवन पाएंगे, लोग कहेंगे भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, परिवार में वो अच्छा है, वो फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। लाइफ इन कम्युनिटी। पांचवी चीज पवित्र आत्मा जब आएगा प्रेयर, इसलिए यीशु के तब मेरे पीछे चलो, प्रार्थना में तुम आ जाओगे। जैसे यीशु की ज्योति शाउल के सामने पहुंचती है, शाउल जो था बदल गया, और क्या बताया सेवक से, बोल जाओ उस गली में, सीधी गली एक है, वहां पर शाउल नाम का एक तारसी है, वो प्रार्थना कर रहा है। सबसे पहली चीज प्रार्थना। प्रभु यीशु जब बदलता है ना, तो आपकी संसार की पहचान को खत्म कर देगा। You will be different in your office, in your department, wherever you are serving, wherever you are working, you will be very different and your identity, यानी आपकी पहचान उस जगह पहुंच गई। यीशु कहता आओ ए मछुओ, ए पीछे लो, अब तुम मछली नहीं इंसान को पकड़ोगे, मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे, मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाओगे, आओ मेरे पीछे। और जब यीशु ने 12 चेले इकट्ठे कर दिया, अधिकार दिया दुष्ट आत्मा पर, अधिकार दिया बीमारियों पर, अधिकार दिया कमजोरियों पर, और अधिकार दिया स्वर्ग का राज का सुसमाचार सुनाओ, लोग बलटेंगे, हालेलुया, लोग बदलेंगे। पीछे चलो, समय आ गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यीशु मसीह चाहता है कि देश के विदेश के लोग बच जाए और उसके पीछे हो जाए। यीशु के पीछे चलो, यीशु आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर के पीछे चलने से यीशु के द्वारा उस सामर्थ को पाओगे। गॉड्स होलीनेस इज हिज पावर। वो पावर है इन्फिनिट, अनंत काल की पावर है। एक बार आ गया निकलेगा नहीं, हम अपने कामों से उसको निकाल देते हैं। और फिर इनकम्पेरेबल, द गॉड्स पावर इज इनकम्पेरेबल। परमेश्वर का जो सामर्थ है इट इज इन्फिनिट, यानी कि अनंत है। वो सामर्थ अनंत है और किसी से इसका मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए वचन लिखा है मैं अपनी सामर्थ किसी को नहीं दूंगा। यूहन्ना 13:34 के अंदर लिखा है एक दूसरे से प्यार करो। यीशु कहता मेरे पीछे आओ, मेरी आज्ञाओं पर चलो, एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम प्रेम प्रेम, आज संसार में प्रेम ठंडा हो गया। आज कहां है प्रेम, कहां है परिवार में प्रेम, कहां है भाई बहनों में प्रेम, कहां है वो प्रेम जो आपस में रखते थे, कहां गया वो प्रेम? आज स्वार्थ, पैसा। आज जब समय बिगड़ता जा रहा है, यीशु कह रहा है मेरे पास आओ, और ऐसा ना हो कि ऐसे समय पर तुम भी इस आतंक में अपने आप को फंसा लो। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसके 14 पद को पढ़ेंगे, 16:14। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। बाइबल आज इस बारे बता रहा है मुझे, मेरे पीछे चलो और जो भी कुछ तुम कर रहे हो प्रेम से करो। किसी डांटते तो प्रेम से डांटो, अगर आप कुछ काम करो प्रेम से करो। समाज में लोग आपको देख रहे हैं और लोग देखकर आपसे सीखते हैं। बाइबल का लिखा हुआ है पहला योहन्ना 4:4-8 में लिखा है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आज संसार में प्रेम खत्म हो गया है, लिखा वचन के वो मुझे नहीं जानता, वो जो कर रहा है या कर रही है वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं प्रेम हूं और प्रेम सारी बातों को ढांक देता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है। मेरे पीछे आओ, योना 3:16 के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम दे। तब प्रेम जो है परमेश्वर का एक बेस्ट, एक क्वालिटी है, कैरेक्टर है ये। ऐसा प्रेम किया उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु
का धरती पर आना, परमेश्वर का धरती भेजना उस पिता का प्यार है, ताकि एक एक आत्मा धरती पर बचाई जाए। Why did God send Son Jesus? ताकि सोल जो आत्मा है वो नरक से बचाई जाए। Not to let our soul die in hell, but to live eternally in heaven. वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा, हमारा प्राण जो है नरक में हमेशा के लिए चला जाए, पर वो चाहता है कि हमारा प्राण, हमारी आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग पहुंचे। इसलिए परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए आनंद में हम स्वर्ग रहेंगे। यूहन्ना 1:18 में आया, क्योंकि परमेश्वर किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर अपने प्रेम को, अनंत काल के प्रेम को, इस प्रेम में कोई दाग नहीं है, इस प्रेम को अपनी गोद से प्रकट कर दिया। परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु इकलौते पुत्र को जो उसकी गोद में उसने संसार प्रकट कर दिया। और पहला योना 3:8 में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। आज खून कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, विकार की बात कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो, यीशु कहता है मेरे पास तुम्हारे खून करेंगे, हाथ तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो और गर्मी रंग के हो उसको सफेद कर दूंगा, हिम की नाई सफेद हो जाएगी, अगर तुम्हारे पाप कैसे हो, ये गारंटी है, सिर्फ उसके पीछे चलना है। कोई लोग सोचते हैं कि मैंने तो इतने गड़बड़ करी, यीशु के पास में कैसे चलूंगा, यीशु कहता आओ कैसे भी आओ, किसी हाल में लाओ, किसी एज में भी आ जाओ, नो एज बार, कोई एज बार नहीं है, किसी भी उम्र में, किसी भी समय में, किसी भी हालत में मेरे पास आओ। ये सब परिश्रम करने वालों, कैसे भी हो, बेकार हो, लाचार हो, मेरे पास आओ, मैं नया बना दूंगा। हालेलुया, नया कर देगा वो। मछुआरों की पहचान खत्म हो गई, अब उससे इतिहास बताता मछुआरे थे, लेकिन बताते वो प्रभु के सेवक थे। हालेलुया, और ऐसे सेवक हुए पूरी दुनिया को ला दिया। फॉलो जीसस, पीछे चलो, आपसे परमेश्वर को चाह रहा है, ही नीड्स समथिंग फ्रॉम यू। क्या करोगे आप, बचा लो आत्मा को, बताओ लोगों को जरूरत है, आज जरूरत है सच्चाई की। परमेश्वर का प्रेम जगत में हुआ, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और पुत्र काहे के लिए आया, शैतान के काम को नाश करने के लिए, नफरत, भेदभाव, क्रोध, झगड़े, झूठी खबरें फैलाना, फेक न्यूज उकसाना, खून करना, लड़ाई करना, इट इज ऑल डेविल्स वर्क, इट्स नॉट गॉड्स वर्क। इसलिए प्रभु ने परमेश्वर अपने पुत्र को जगत भेजा, और यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश कर, टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल। आज चारों तरफ देखो क्या हो रहा है, कितनी हालत बुरी हो रही है, आओ यीशु के पास और उद्धार को ले लो, अपने आप को बचा लो, कम टू जीसस एंड रिसीव द सेल्वेशन, आओ यीशु के पास। पहला योना 3:15 के अंदर लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, जो कोई अपने भावरा भाई को, घर वाला नहीं, बाहर वाला नहीं है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हम सब एक दूसरे बहन है, भाई बहन कितने हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। ओफ, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, नरक में है। हत्या कौन करा रहा, शैतान है, और ये डेविल है जो नरक में फेंक दिया गया। प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु की दशा से जिसमें मनुष्य जीरा बाहर निकालना चाहता है, इसी कहता है मेरे पास आ जाओ, मेरे पीछे हो लो, मेरी संगति में आ जाओ, फॉलो मी, मैं तुमको इस अंधकार से बाहर निकालना चाहता हूं, जो तुम्हारी सोच अंधकार की सोच है, मुझसे तुम बाहर निकालना चाहता हूं, जो हर समय तुम बुरा सोचते हो, बुरा सोचती हो, मैं तुमको बाहर निकालना चाहता हूं, आओ मेरे पास, मेरी शिक्षा को लो, ये शिक्षा तुम्हारे लिए काम आएगी और दूसरों के लिए काम आएगी। आज इस वचन की जरूरत है। वचन सीता 119:140, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, यीशु मसीह ताया हुआ था, उसमें कहीं भी अंधेरा नहीं था, दोष बहुत लगाए गए, और पिलातुस कहता मैं तो इसमें एक भी दोष नहीं देखता, हालेलुया, क्रिस्टल क्लियर है ये, हालेलुया, उसे कोई दोष नहीं है, इसलिए यीशु कहता मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, दोष तुम्हारे दूर कर दूंगा, तेरा वचन ताया हुआ है, ये वचन जो है पूरा ताया हुआ है, याद रखिए ये वचन है ताया हुआ है, पूरा प्योर है, तेरा वचन ताया हुआ है और हमें पाप से बचाता है, प्रेम करता है, तेरा वचन ताया हुआ है। जब ये वचन को पढ़ोगे, यीशु के पीछे चलोगे, ये वचन आपके पास आएगा और कोई परेशानी आपको नहीं घेरी, कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी, अंधेरा तेरे जीवन में ना आएगा, तू सुख का जीवन पाएगा। यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान हुआ, परमेश्वर ने
दिया यीशु को बलि चढ़ने के लिए, टू डाई ऑन द क्रॉस। जगत का, जगत से प्रेम किया, पर्सनल लव है ये, उद्धार यीशु में है। क्रूस पर टंगा तड़प रहा था वो, और उस दर्द में, उस पीड़ा में उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यह है शिक्षा, यह है शिक्षा, इसलिए यीशु पास आ जाओ, माफी करना भी सीख जाओगे। यीशु ने जो क्रूस पर बलिदान दिया, मृत्यु को लिया, संसार को हिला दिया, धरती डोल गई, मंदिर का पर्दा फट गया, हिला दिया उसे धरती को, मृत्यु ले ली उसने, और तीसरे दिन से कहा वो जिंदा हो गया, वो सभी धरती हिली। जब यीशु जिंदा हुआ, धमाका हुआ, सरदूत आया, उसने पत्थर को हटा दिया, पृथ्वी डोल गई, यीशु मर के जिंदा हुआ, और आज यीशु हमारे लिए जिंदा है, जीवित स्वर में बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसके 1:18 के अंदर आया, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। अधलोक, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, यानी यीशु पास अधिकार है। स्वर में किसको डालना, किसको बाहर निकालना, कह रहा मेरे पीछे आ जाओ, अगर तुम नरक वाला जीवन जी रहे हो, उस जीवन को जी रहे हो जो तो जो मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता तुम भी आ जाओ, क्योंकि मैंने खून तुम्हारे लिए बहाया। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सुन लो, यीशु कह रहा मैं तुम्हारे लिए खून बहाया, मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार को नया बनाना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को नया करना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों को नया करना चाहता हूं, मेरे पीछे चलो। समस्या बढ़ती जाएगी। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, ईश्वर का मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, आई एम द ओनली वे, मेरे पीछे चलो, अनंत काल की आशीष मेरे ही पास है, कोई पिता के पास नहीं जा सकता बिना मेरे। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई भी उस पिता के पास, उस परमेश्वर के पास, उस रब के पास, खुदा के पास, गॉड के पास नहीं जा सकता। देयर इज नो अदर वे, मेरे पीछे चलो, मैं तुमको पिता से मिला दूंगा। यीशु का जी उठना हमारे अनंत काल की आशीष है। अब यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। लूका किताब उसके 21 के अंदर लिखा हुआ है, 21:22 के अंदर, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी, और जो हो रहा है ये चलेगा। 9 से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है इस किताब के अंदर, तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना पहला अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जेले पूछो अंत कब होगा, तू कब आएगा, यीशु ने कहा लड़ाई होगी, तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनोगे, सुन रहे हैं हम, ये चालू हो चुका है, ये जो कई साल पहले लिख दी गई है वो अब शुरू हो गई है, शुरू हो चुका है। और लिखा है उसने कहा, जाति जाति पर राज राज पर चढ़ाई करेगा, शुरू हो गया है, बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह काल और महामारियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह दिखेंगे, नासा बता रहा शुरू हो चुका है। भाई बता दी इस बारे में, परंतु इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, मंदिर में डालेंगे और राजा हाकिम के सामने ले जाएंगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, यू विल बी माई विटनेस। डरना मत, पीछे चलना, यीशु आपके साथ है। और लिखा हुआ है क्योंकि ये बदला लेने के दिन होंगे, यीशु कह रहा है ये बदला लेने के दिन होंगे और लिखी हुई सब बातें पूरी जाएंगी, जो लिखा है वो पूरा होगा। इसके 26 के अंदर लिखा हुआ है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, शुरू हो गया, डर समा गया, अभी और बुरा होगा, क्योंकि इसमें लिखा है, ये हम नहीं कह रहे, लिखा है, तो भी भाई बता रही है, घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्ति हिलाई जाएंगी, अब आकाश की शक्ति हिलाई जाएंगी। इसके 35 में लिखा हुआ है, बल्कि 33 में, 33 पर लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टगे, जो लिखा है वो पूरा हो रहा है, वट एवर इज रिटन इट इज फुलफिलिंग नाउ, वो पूरा हो रहा है। किताब परमेश्वर की है, हमारी नहीं है, इन दिनों के लिए लिख दिया गया कि ये परमेश्वर कह रहा है, वचन में लिखा है, पलटा लेने का मेरा दिन है। इसके 35 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़े, सारी पृथ्वी के लोग जहां जहां रह रहे हैं ये तकलीफें चारों तरफ आ जाएंगी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तब यीशु के पीछे लो, फॉलो यीशु मसीह को, अपना जीवन का आधार बना लो,
रोमियो 13:14 में लिखा है, यीशु को बहन। आज आपके पास समय है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जाने कितने लोग सुन रहे हैं। आज यीशु चाहता है कि विपत्ति तो आएगी, इससे बचना है यीशु का दामन पकड़ ले। और पौलुस कहता, दामन ही नहीं, इससे लिपट जाओ। अब कैसे लिपटेंगे? यीशु आत्मा में है, यीशु पवित्र आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ जीसस। उसको पहन लो, उससे लिपट जाओ, प्रार्थना करो और लिपटे रहो, उपवास रखो अपने लिए, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करो, समय दो, उसके पीछे चलो, क्योंकि यीशु आ रहा है। कब आ जाएगा नहीं पता। ये बस सोचो, अभी तो और आफते आने दो, प्रभु यीशु आने दो, अभी तो कभी नहीं आएगा, तू कभी भी आ सकता है। अपने को तैयार करो, झूठ फैले से दूर रखो, खुद बचो और दूसरों बचाओ। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।